हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग लॉगरिथमिक स्टार्ट करते हैं, वो भी जे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे दो पहले वीडियो मैंने बनाया था लॉग का बेसिक, और उसमें जे मेंस के भी क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम लोग जे एडवांस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट ए इज इक्वल टू लॉग टू बेस थ्री, और यहाँ पर बेस थ्री है, एंड इंटीजर के, यहाँ पर एक इंटीजर है, सेटिस्फाइंग 1 less than 2 के पावर में माइनस का k प्लस 3 के पावर में माइनस 1 less than 2 मस्ट बी लेस देन, क्या होगा ये हमसे पूछा। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन क्या 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 0 है, डी ऑप्शन माइनस 1 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जे 2021 के लिए, और एडवांस में भी क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। ठीक है, तो चलो जो भी मुझे डाटा गिवन था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो मुझे गिवन था ए इज इक्वल टू लॉग टू बेस 3, तो ए इज इक्वल टू लॉग टू बेस 3 और बेस में 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने प्रॉपर्टी लगाया कि लॉग, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू टी हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर में टी। अरे बोलो, पढ़ाया गया था आपको, है ना? तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लगाया, तो 3 के पावर में ए इज इक्वल टू लॉग टू बेस 3। ठीक है, अब इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा बेस और इसको, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लॉग 3 बेस 2, तो 3 के पावर में माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1/1 में होता है ना। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने आपको बेसिक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो लॉग 3 बेस 2, तो 3 के पावर में माइनस 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या गिवन है डाटा, यहाँ पर कि 1 less than 2 के पावर में माइनस के प्लस 3 के पावर में माइनस 1 less than 2। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 के पावर में माइनस के प्लस 3 के पावर में माइनस 1 और लेस देन 2, करेक्ट है। अब सर यहाँ पर देखो पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो पावर जब कंपेयर करेंगे तो 2 के पावर में क्या लिखा, माइनस का k प्लस 3 के पावर में माइनस 1, तो मैंने लिखा 2 के पावर में माइनस k प्लस का 3 के पावर माइनस 1, मैंने पावर कंपेयर किया। और 2 के पावर में 1, यहाँ पर 1 है, तो 1 कब आएगा, एनी नंबर के पावर में 0, तो 2 के पावर में जिस दिन मैं 0 कर दूंगा तो वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए सर 3 के पावर में माइनस a, 3 के पावर में माइनस a है क्या, लॉग 3 बेस 2, तो 3 के पावर माइनस ए के प्लस पे लॉग 3 बेस 2 लिख दिया, और ये माइनस का के जो था मैंने इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का के आ गया, और फिर जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो के प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के उधर ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का के आ जाएगा, तो के प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहां से एक चीज माइंड में रखना कि सर देखिए लॉग 3 बेस 2 ये ग्रेटर देन यहां पर क्या लिखा, के लिखा यहां पर। ठीक है, तो के है, और ये कितना था, 1 था यहां पर। ठीक है, यहां पर कितना था, 1 था, और के एक इंटीजर है। ठीक है, के यहाँ पर एक क्या है सर, इंटीजर है। ठीक है, अब देखो के प्लस 1 भी लिखा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक टाइम के लिखे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा के प्लस का 1, ठीक है, के प्लस का 1। अब एक चीज और ध्यान, यहाँ पर ध्यान दो, लॉग 3 बेस 2 है, और ये कितना था, 1 था यहाँ पर, तो लॉग 3 बेस 2 ग्रेटर देन 1 लिखा मैंने यहाँ पर, और ये क्या लिखा है, के प्लस 1 के इक्वल है, तो के प्लस 1, तो के प्लस 1 ग्रेटर देन 1 लिखा है यहाँ पर मैंने, और यहां से 1 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो k ग्रेटर देन 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से log 3 बेस 2 लेस देन 2, लेस देन 2 क्यों लिखा यहां पर सर, क्योंकि यहां पर देखो लेस है, तो लेस देन 2 लिखा, तो लेस देन 2 लिखूंगा, और log 3 बेस 2 मैंने इसको k ज्यूम किया, क्योंकि k एक इंटीजर था, यहां पर क्वेश्चन में बोला था k एक इंटीजर था, तो k लेस देन 2, तो फाइनल जो आ जाएगा 0 से 2 के बीच में, तो k जो लाइक कर रहा है 0 से 2 के बीच में, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला था, k एक एन इंटीजर के सेटिस्फाई, और यहां पर देखो क्या बोला, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, तो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 से 2 के बीच में कोई नंबर है वो क्या है सर, हमारा 1 है, तो इसीलिए मैंने यहां पर जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो फाइनल क्या है, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि द नंबर ऑफ द सोल्यूशन log x माइनस 4 बेस, log x माइनस 1 बेस 4 है इज इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2 है, इज ये क्वेश्चन IIT 2001 में आया था। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन x का बताना हम लोग को, चलो सॉल्व करते हैं उसको। तो बहुत अच्छे से पहले आप ध्यान दोगे, यहाँ पर मैंने लिखा log x माइनस 1 बेस 4 है और log में x माइनस 3 बेस 2 है, तो देखो इसको मैं लिख लेता हूँ, log में x माइनस का 1 और ये 4 को मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू log x माइनस का 3 और बेस में 2 है, करेक्ट है। अभी 2 का स्क्वायर, तो मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ाया गया था, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था यहाँ पर, ठीक है, log है ना p अपॉन q, तो ये क्या आ जाएगा 1/2
और लॉग में x माइनस का 1 और बेस में 2 हो जाएगा, और लॉग x माइनस का 3 और बेस में 2 आ जाएगा, करेक्ट है। अब देखिए इस 2 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये हमारा आ जाए, और लॉग 2 लॉग बेस 2 बेस दोनों का सेम तो लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा x माइनस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, x माइनस 1 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों को मैं यहाँ पर ब्रेकेट ओपन करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का 9 और माइनस का 6x आ जाएगा और x माइनस 1, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा, फैक्टर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10 आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं फैक्टर करूँगा तो फैक्टर जो आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू यहाँ से 2 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें जैसे यहाँ लॉग में, तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ 2 माइनस 1 सही है यहाँ पर, और यहाँ पर जब 2 पुट करूँगा x के प्लेस पे तो माइनस का 3 प्लस का 2 तो वो माइनस 1 हो जाएगा। लॉग में कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसीलिए x इज इक्वल टू जो 2 है वो रिजेक्ट हो जाएगा और 5 वाला राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो 5 हमारा इस क्वेश्चन का राइट